ओके सर, आज आप लॉकअप रियलिटी शो के हाउ इट वॉज वेरी गुड, इट वॉज वेरी नाइस, इट वॉज वेरी चेंजिंग. जो अक्सर हम लोग और बालाजी पे देखते हैं उससे बहुत विपरीत एक्सपीरियंस रहा मेरा. जाके मैं लोगों से मिला, जितने भी कंटेस्टेंट्स थे बहुत ही प्यारे कंटेस्टेंट्स हैं, बहुत अच्छे हैं. बस अपने अपने घर को बहुत मिस करते हैं और सब जो हैं बहुत अच्छा खेल भी रहे हैं. अंडर दी सब सर्कमस्टांसेस उनके पास ना फ़ोन है, ना कुछ है, ना बाहर की दुनिया से कोई ताल्लुकात है, कुछ नहीं है, बट स्टिल दे आर डूइंग सो वेल. एंड अच्छा लगा, इट वॉज अ गुड प्लेस. जितना जितना टीवी में लगता है उतना छोटा है नहीं. अच्छा लगा, इट्स अ वेरी नाइस प्लेस, वेरी नाइस सेट, वेरी नाइसली एयर कंडीशन एंड एवरीथिंग. सो या, आप लोगों ने गेम भी खेला, कैसा रहा वो गेम, अगर आप कुछ बता सके, ट्रूथ एंड डेयर? हम लोगों ने गेम खेला ट्रूथ और डेयर, हमें बहुत मजा आया, बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम था वो. सब ने बहुत अच्छा किया, शिवम ने बहुत अच्छा स्क्रिप्टीज किया, बेस्ट था पूनम पांडे जी का डांस, जो उन्होंने डांस किया था वो तो बहुत ही सेक्सी था. And और किसने क्या किया, और साइशा ने भी अच्छी कोशिश करी. जीशान का टास्क बहुत अच्छा था, जीशान ने भी बहुत अच्छा निभाया. एंड जो ट्रूथ थी उसमें बहुत सारी सच्चाई पता चली, बहुत चीज़ें बाहर आई, बहुत बहसें हुई एंड बहुत चीज़ें हुई, वो सब आप देखेंगे तो पता चलेगा. इससे पहले आपने कभी ये शो देखा था आपने? हाँ देखा था मैंने, जब मुझे पता चला था कि मैं यहाँ आने वाला हूँ तो मैंने घर पे बैठ के काफ़ी रिसर्च की, काफ़ी एपिसोड्स कवर करे जितना मैं कर सकता था, ताकि आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट पीपल आर लाइक एंड वो कैसा काम कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ताकि मैं जब वहाँ जाऊँ तो एक एक इंसान को पर्सनली बता पाऊँ कि कैसा महसूस हुआ, क्या हुआ. सो आई वॉन्टेड टू टेक अ ऑडियंस पर्सपेक्टिव ऑल्सो एंड माई पर्सपेक्टिव ऑल्सो, एंड आई वॉन्ट टू टेल देम कि दिस इज वॉट्स हैपनिंग. बिकॉज ऑब्वियसली जब आप कट ऑफ हो चुके हैं दुनिया से, तो आपको नहीं पता कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, कोई बताने वाला नहीं है आपको. So if someone from outside comes, so it helps them a lot to know कि अच्छा if I am doing the right thing or the wrong thing. So yeah, ऐसा हुआ. आपके कौन है favorite player? मेरे favorite player हैं, दो हैं. एक मुनावर है जो कि बहुत अच्छा खेलता है, बहुत ही strategize करके चलता है, और दूसरा मेरा है जीशान. जीशान इसलिए क्योंकि not only because he's my friend, but also because he's a very good player. ठीक है, काफ़ी इसमें जज्बा बहुत है जीतने का, और जज्बा, जोश, आग, जो भी आप कहेंगे वो सब है उसके अंदर. मुनावर की अगर हम बात करें, अंजलि और शाइशा, इन तीनों का केमिस्ट्री काफी अच्छा दिख रहा है शो के अंदर, तो आपको कितना अच्छा लगा इनका? मैंने सिर्फ सुना था शो पे जाने से पहले, आज मैंने देख भी लिया. वो दोनों बहुत ही बहुत कंफर्टेबल हैं एक दूसरे के साथ, जो कि बहुत अच्छी बात है. एंड दे आर वेरी स्वीट पीपल, वेरी स्वीट, वेरी नाइस पीपल दे आर. I met Munawar, I met Anjali, and they both had a very nice, sweet, simple smile on their face, which made me very happy when I met them. And अच्छा लगा उनका connection. In fact, Saisha also. Saisha, लोगों को पता नहीं है मेरी height 5'9" है, Saisha की height शायद 6'1" है, वो बहुत लंबी है. और मुझे नहीं पता था, जब मैं उसको hug करा, मैंने उसके पेट के पास आया मैं. And Saisha is like a coconut. बाहर से बहुत सख्त, अंदर से बहुत नरम बेचारी, बहुत प्यारी है, बहुत ही जो बातें बोलती है, she is very affectionate when she talks, which is a great thing. So, yeah. जीशान की बात करूं तो काफी वो टफ दे रहे हैं मुनावर को, तो वाइल्ड कार्ड एंट्री के में आना, क्या उनके लिए ये नुकसानदेह होगा शो में, आपको क्या लगता है? देखिए, हाँ बोलिए बोलिए. क्योंकि ही इज आल्सो डूइंग अ टफ कंपटीशन, मुनावर को वो ही दे पा रहे हैं शो के अंदर, तो आपको क्या लगता है? मेरे को ये लगता है कि अगर आप किसी शो में शुरुआत से रहते हैं तो आपके लिए जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाती है, क्योंकि आप शुरुआत से जीरो से स्टार्ट कर पाते हैं टाइमलाइन पे. जब आप बीच में आते हैं तो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जब आप बीच में आते हैं तो ऑलरेडी डायनेमिक्स बन चुके होते हैं, कनेक्शंस बन चुके होते हैं, फर्स्ट इंप्रेशंस हो चुके होते हैं, तो दोस्ती वोस्ती हो चुकी होती है. व्हेन यू कम एज अ वाइल्ड कार्ड, इट्स वेरी हार्ड टू पियर्स इन. बट इन ऑर्डर टू डू सो, अगर कोई ऐसा कर पाया है और वो पियर्स इन हो भी चुका है, जीशान इज डूइंग वेल, वो इतने टाइम तक सर्वाइव भी किया है, आज जो एक्टिविटी करी हमने उसको, उसमें बहुत अप्रिसिएशन भी थी जीशान के लिए, तो इसका ये मतलब है कि ही इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब. He is doing a better job than his fellow mates, and I would just like to wish him all the best. Yeah, all the best for everything that he does. Okay, Payal की अगर हम बात करें, Payal को आपने कुछ सलाह दी अंदर? Payal मैम को मैंने कोई सलाह नहीं दी अंदर, मैंने बस उनको ये प्यार से कहा कि जरा मैम को मैंने कोई सलाह नहीं दी, क्योंकि Payal मैम बहुत ही अच्छे से खेल रहे हैं. बट एक चीज मैंने उनको बोली कि आपको हर चीज पर याद ऐसा है जिसपे आपका अटेंशन चाहिए, वो अटेंशन दीजिए. तो हाँ, तो Payal मैम को मैंने ये भी कहा कि सूट
बनना चाहती हैं लाइफ में, तो मैं समझ सकता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और लोगों के लिए मायने रखती है, क्योंकि सब उनके सूर्य नमस्कार मजाक उड़ाते हैं, बट आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग दैट शी इज डूइंग एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हर एंड फॉर पीपल। ओके, आज़मा साहब की बात हुई, काफी फायर गर्ल इनसाइड द लॉकडाउन। हां, फायर, क्योंकि उसके फायर एक्सटेंशन, फायर का बुझाने के लिए कुछ है नहीं उसके आसपास, क्योंकि जब एक बार उसमें आग लगती है तो उसको कोई कंट्रोल्ड फायर नहीं है, वो बस हर किसी के लिए ऑल आउट चली जाती है। लोग कहते हैं बहुत छोटी बच्ची है, उसमें दिमाग नहीं है इसीलिए वो ऐसा करती है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि उसमें अच्छा खासा दिमाग है और उसको बहुत ही खूबसूरती से इस्तेमाल भी करती है। एंड आज़मा से मेरी थोड़ी सी बात हुई, मैंने उसको बोला कि तुम बस करती रहो, खुश रहो, जो वॉट एवर मेक्स यू हैप्पी डू इट। अगर तुम्हें खुशी दूसरों को परेशान करने में आती है तो परेशान करो, अगर तुम्हें दूसरों को अच्छा फील कराने में खुशी मिलती है तो खुशी, तो वो करो। जेलर कैसे है करण कुंद्रा, आपको क्या लगता है? मैं जेलर से मिल नहीं पाया एक्चुअली, जब मैं गया तो करण कुंद्रा नहीं थे वहाँ पे, बट आई थिंक ही इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब, ही इज डूइंग अ फैबुलस जॉब फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन, फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड, ही इज वेरी कमांडिंग एंड आई थिंक ही कैन टेक ओवर प्लेसेस एंड ही इज ऑल्सो, ही इज ऑल्सो गॉट दिस लीडरशिप क्वालिटीज इनसाइड हिम व्हिच आर वेरी गुड एंड आई थिंक ही इज डूइंग अ गुड जॉब। थोड़ी सी बात हुई, थोड़ा हाथ हाथ मिलाया मैंने उनको, बोला कि मैम आई एम बिग फैन, एंड बस ये बोल के इतना ही इंटरेक्शन था मेरा उनके साथ। Okay,